फतेहाबाद रोड स्थित होटल ताज विलास में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय भाजपा प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ हो गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक पंकज सिंह ने किया। इस दौरान भाजपा के तमाम कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भाजपा महानगर के प्रशिक्षण वर्ग का मंगलवार को शुभारंभ हो गया। फतेहाबाद रोड स्थित होटल ताज विलास में शुरू हुए 3 दिवसीय भाजपा प्रशिक्षण वर्ग के पहले दिन के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक पंकज सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल, कानून मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी समेत भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भाजपा प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम के पहले दिन उद्घाटन सत्र में शामिल होने आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक पंकज सिंह ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों से रूबरू कराते हुए एक कर्मठ कार्यकर्ता की परिभाषा को भी समझाया। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति के लिए हमेशा तैयार रहने का भी आह्वान किया। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक पंकज सिंह ने अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि बुलडोजर चल रहा है और लगातार चलता रहेगा। महाराष्ट्र के हनुमान चालीसा विवाद पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हनुमान जी संकट मोचन है, सभी का संकट हर लेंगे। उनकी पूजा होती रही है और होती रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी कीमत पर रुकने नहीं दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये प्रशिक्षण का काम ये चुनाव और चुनाव के नतीजों से यह अलग है और लगातार होता रहता है। जहाँ तक रही चुनाव की बात, तो उसके लिए पार्टी तो जैसे ही एक चुनाव समाप्त होता है, हम अगले चुनाव की तैयारी में भाजपा के कार्यकर्ता बिल्कुल लग जाते हैं। तो हम 2024 के लिए भी आज 22 समाप्त होने के तुरंत बाद 24 के लिए भी पार्टी और पार्टी का पूरा काडर बिल्कुल कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं आई है। और उत्तर प्रदेश में अब दंगा और अपराध करने वाले अब ये समझते हैं कि यहाँ पर अगर किसी ने भी दुस्साहस किया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और डीजी महाराजा न्यूज के लिए देवेश दीक्षित की रिपोर्ट।